आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से उसने सियासी का गहरा सीखा, लेकिन अब वो कांग्रेस का कद्दावर नेता है जिसके आगे बीजेपी का कमल मुरझा गया। जिस मुख्यमंत्री ने उसे जेल भेजा, उसने उसी मुख्यमंत्री से उसकी कुर्सी छीन ली। जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों का दिल जीतने निकले थे राहुल गांधी, तो उस नेता ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री से पंगा लेने की वजह से उसे जेल भेज दिया गया और अपनी बेटी की शादी में वो जमानत पर बाहर आया। इसके बाद उसने जेल में मुख्यमंत्री को तबाह करने की कसम खा ली। जब उसने प्यार किया तो बवाल ऐसा मचा कि मामला दिल्ली तक जा पहुंचा। आज अनसुनी कहानियों में बात किसान के बेटे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भरोसेमंद कांग्रेस के कद्दावर नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी की। अनुमुला रेवंत रेड्डी आने नेनो शासन द्वारा निर्मित भारत राज्यांगं पट्ल निजमैन विश्वासं विधेयत चूप्तानने भारत देश सार्वभौमाधिकारान्नि समग्रतन कापाडतानने तेलंगाण राष्ट्र मुख्यमंत्रिगा ना कर्तव्यान्नि। तेलंगाना के गठन के बाद से नए राज्य में के चंद्रशेखर राव का वर्चस्व रहा। कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी केसीआर को टक्कर देती नहीं दिख रही थी। इसी बीच रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2014 में कोडंगल से चुनाव जीतने के बाद रेवंत रेड्डी ने राज्य की सियासत में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। 2015 में राज्य में एमएलसी चुनावों के दौरान रेड्डी सनसनी बन गए। 31 मई 2015 को केसीआर सरकार ने उन्हें नोटों के इस्तेमाल मामले में गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। एसीबी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ एमएलसी चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को वोट देने के लिए एल्विस स्टीफेंसन को 5 करोड़ रुपए की पेशकश का आरोप लगाया, लेकिन रेवंत रेड्डी डरे नहीं और उन्होंने इसे अपने खिलाफ केसीआर एंड कंपनी की साजिश बताया। जब रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय वे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से विधायक थे। रेवंत जेल में बंद थे, तब बेटी नैमिषा की शादी तय हुई। बेटी की सगाई और शादी में शामिल होने के लिए उन्हें कुछ घंटों की जमानत मिली थी। मतलब अपनी ही बेटी की शादी में रेवंत रेड्डी किसी मेहमान की तरह ही शामिल हुए थे। इससे उनके अंदर केसीआर के खिलाफ एक अलग ही अलख पैदा हो गई। कहते हैं चेत्रापल्ली जेल से रिहा होने के बाद रेवंत रेड्डी ने केसीआर की राजनीति को कुचलने की कसम खाई। जेल से बाहर मौजूद अपने समर्थकों से रेड्डी ने कहा था कि मेरा एकमात्र एजेंडा केसीआर को गद्दी से उतारना और उनके परिवार को राजनीति में अप्रासंगिक बनाना है। बेटी नैमिषा के हाथ पीले करने के लिए जेल से जमानत पर बाहर आने के पल को रेवंत रेड्डी काफी इमोशनल मानते हैं। जेल से बेटी की शादी में पहुंचने के वाकये को याद करते हुए रेवंत रेड्डी एक बार भावुक हो गए थे। उनकी आंखों से सैलाब फूट पड़ा। 2017 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद जब उन्होंने 2018 विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी कैंपेन को याद किया तो इस वाकये को याद करते हुए रेवंत रेड्डी रो पड़े। गौरतलब है 2015 में रेवंत की बेटी नैमिषा की शादी रेड्डी और रेड्डी मोटर्स के मालिक के बेटे जी वेंकट रेड्डी के साथ हुई थी। रेवंत रेड्डी ने केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनकी मुसीबतें भी बढ़ती चली गईं। सत्ता से टकराने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ 89 आपराधिक मामलों समेत करीब 200 केस केसीआर सरकार ने दर्ज करा दिए। शायद कोई दूसरा नेता होता तो ऐसे हालातों में वो टूट जाता, लेकिन केसीआर की राजनीति को खत्म करने की कसम खाने वाले रेड्डी के पांव नहीं दिखे। जेल जाने और जमानत पर रिहा होने के बाद पूरा नजारा ही बदल गया। रेवंत, जो पहले से कुछ हद तक आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने फिर अपने शब्दों और आलोचनाओं में तीखापन बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने माइक पकड़ा, वो केसीआर और उनके परिवार पर कठोर शब्दों का प्रहार करने लगे। वो खुद अपनी सोशल मीडिया आर्मी बनाकर अपनी छवि को मजबूत करते रहे। 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान रेड्डी के अलावा उनकी पत्नी गीता भी गिरफ्तार हो गई थी, लेकिन उनका हौसला नहीं टिका। पत्नी गीता भी पति रेवंत का साथ निभाती रही। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि 2015 में किस तरह रेवंत रेड्डी को जेल भेजा गया था, लेकिन उससे पहले रेवंत रेड्डी के प्यार की कहानी आपको सुनाते हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी की सफलता में उनकी पत्नी गीता का बड़ा योगदान रहा है। पति के लिए वह जेल भी जा चुकी हैं। वही जब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और दोनों ने शादी का फैसला लिया तो मामला दिल्ली तक पहुंच गया था। दरअसल रेवंत रेड्डी को पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से प्यार हुआ था, लेकिन शादी के लिए गीता का परिवार राजी नहीं था, जिसके बाद रेवंत रेड्डी को दिल्ली तक जाना पड़ा। रेवंत रेड्डी और गीता की प्यार की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की कहानी से कम नहीं है।
कहा जाता है कि नागार्जुन सागर डैम के पास बोट की सवारी के दौरान रेवंत ने पहली बार गीता को देखा था और देखते ही उन्हें वो अपना दिल दे बैठे थे। उस समय रेवंत उस्मानिया विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। गीता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रहे जयपाल रेड्डी की भतीजी हैं। गीता को पाने के लिए रेवंत को काफी पापड़ बेलने पड़े। दरअसल जब गीता के परिवार को रेवंत के बारे में पता चला तो उन्होंने आपत्ति की। गीता के पिता को इस बात की जानकारी हुई तो मामला और गंभीर हो गया। दरअसल गीता रेड्डी के पिता अपनी बेटी रेवंत रेड्डी को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने गीता को दिल्ली में भाई जयपाल रेड्डी के पास भेज दिया, जिसकी वजह से रेवंत पर राजनीतिक दबाव शुरू हो गया। लेकिन गीता को हासिल करने के लिए रेवंत किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे। रेवंत दिल्ली पहुंच गए और जयपाल रेड्डी से मुलाकात कर अपने प्यार के बारे में बताया तो जयपाल रेड्डी मान गए। जयपाल रेड्डी के दखल के बाद गीता के परिवार वाले शादी के लिए तैयार हो गए। आखिरकार तमाम अड़चनों के बाद 7 मई 1992 की वो तारीख रेवंत के जीवन में आ गई जब उन्होंने गीता के साथ 7 जन्मों के लिए साथ फेरे लिए। ये तस्वीरें 7 दिसंबर 2023 की हैं, जब हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। लोगों के सैलाब के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ खुली कार में रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। इसके बाद जब मंच पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ तो रेवंत रेड्डी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें सोनिया गांधी के पास ले गए। दोनों ने सोनिया गांधी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने में राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उस वक्त रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में यात्रा को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के साथ साय की तरह रहे। जिस तरह से राज्य में भारत जोड़ो यात्रा को सफलता मिली उससे राहुल गांधी भी हैरान थे, वो रेड्डी से बहुत प्रभावित हुए। वहीं तेलंगाना के नतीजे आने के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए 24 अकबर रोड पर बैठक हुई, बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कई सारे सीनियर नेता मौजूद थे। बैठक में राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगा दी। आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से राजनीति का ककहरा सीखने वाले रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से राजनीतिक पहचान बनाई, लेकिन सियासत में उनका वर्चस्व कांग्रेस में रहकर बढ़ा। 2017 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी रेवंत रेड्डी को आगे बढ़ाते रहे। 2018 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त कर दिया तो 2021 में तमाम विरोधों के बावजूद राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी पर भरोसा जताया और प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। इसके अलावा 2023 में जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगा दी। तारीख 31 अक्टूबर 2017 राहुल गांधी की मौजूदगी में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रेवंत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उन्हें कांग्रेस के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ा। साल 2018 में पार्टी ने उन्हें 3 कार्यकारी अध्यक्षों में एक नियुक्त कर दिया तो पार्टी के अंदर स्वर उठे कि बाहरी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कोडंगल से हारे तो विरोध कर रहे नेताओं को मौका मिल गया। हार की वजह से पार्टी के अंदर उनकी किरकिरी हो गई। हालांकि विधानसभा चुनाव में मिली हार रेवंत रेड्डी के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। देश में बीजेपी की लहर के बीच रेवंत रेड्डी ने मल्काजगिरी सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बनकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। दिल्ली पहुंचने के बाद रेवंत कांग्रेस हाईकमान से नजदीकियां बढ़ाते चले गए, जिसका फल भी उन्हें मिला। जून 2021 में राहुल गांधी ने रेवंत को प्रदेश की कमान सौंपी तो पार्टी का एक खेमा नाराज हो गया। दरअसल हाईकमान ने रेवंत को वरिष्ठ नेता एन उत्तम रेड्डी के जगह कमान सौंपी थी, जिसके बाद पार्टी के अंदर स्वर गूंजा कि दूसरी पार्टी से आए नेता को इतनी अहमियत दी जा रही है। लेकिन 2022 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो राज्य में यात्रा को सफल बनाने में रेवंत ने सबसे अहम भूमिका निभाई। राहुल गांधी राज्य के लोगों का दिल जीत रहे थे तो रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी का दिल जीत लिया, जिसके बाद पार्टी के अंदर उनके खिलाफ उठने वाले सारे विरोधी स्वर धीमे पड़ गए। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव जिताकर रेवंत रेड्डी ने साबित कर दिया कि कांग्रेस हाईकमान ने उन पर जो भरोसा किया था वो गलत नहीं था। केसीआर के सबसे बड़े सियासी दुश्मन रेवंत रेड्डी कभी केसीआर के बेहद करीबी लोगों में से एक हुआ करते थे। बात 2001 की है, जब के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। केसीआर ने अपने आंदोलन को बल देने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से पार्टी का गठन किया, जिसे टीआरएस के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बीआरएस हो चुकी है। 2003 में रेवंत रेड्डी भी केसीआर के आंदोलन से जुड़ गए और तमाम पदों पर रहते हुए तेलंगाना राज्य आंदोलन में भाग लिया। हालांकि 2000
2006 में केसीआर से उनका मोहभंग हो गया और उन्होंने टीआरएस को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने सियासी करियर को आगे बढ़ाया तो चंद्रबाबू नायडू ने उनका साथ दिया और देखते ही देखते रेवंत रेड्डी राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बन गए। 8 नवंबर 1969 को तेलंगाना के नगर कुरनूल के कोंडा रेड्डी पल्ले में जन्मे रेवंत रेड्डी ने आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से छात्र राजनीति में कदम रखा। 2006 में उन्होंने मध्यमंडल ZPTC चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत का परचम लहराया। साल 2007 में रेवंत रेड्डी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर MLC बने। इसके बाद पूरे प्रदेश में उनकी ख्याति बढ़ने लगी। विधान परिषद में जब चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को बोलते हुए सुना तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। 2008 में TDP में शामिल होने के बाद रेवंत ने नायडू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू कर दिया। 2009 में TDP ने कोडंगल विधानसभा से रेवंत को टिकट दिया। उनके सामने कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी थे। चुनावी नतीजे आए तो रेवंत ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कांग्रेस का किला भेद दिया और 6,989 वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विधायक बनने के बाद पार्टी में रेवंत का कद बढ़ने लगा। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता देखते हुए नायडू ने रेवंत को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। 2014 के विधानसभा चुनावों में रेवंत ने 14,614 वोटों से जीत हासिल की। इसके बाद पार्टी ने रेवंत को विधानसभा में पार्टी का नेता बना दिया। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना अलग राज्य बना तो रेवंत तेलंगाना में पार्टी के मुखिया के तौर पर काम करने लगे। हालांकि TDP आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ थी, लेकिन रेवंत रेड्डी कभी तेलंगाना गठन के लिए हुए आंदोलन में शिरकत कर चुके थे। तेलंगाना के गठन के बाद चंद्रबाबू नायडू ने नए राज्य पर ध्यान देना छोड़ दिया। पार्टी के विधायक भी साथ छोड़कर जाने लगे। रेवंत रेड्डी पार्टी में अकेले बचे। ऐसे में रेवंत रेड्डी को भी समझ में आ गया कि TDP में उनका भविष्य अब ज्यादा नहीं है। उनके समर्थकों ने उनसे नई पार्टी बनाने के लिए कहा, लेकिन रेवंत रेड्डी नई पार्टी बनाने की दुश्वारियों को बखूबी समझते थे। यही वह दौर था जब रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में आए। चंद्रबाबू नायडू को जब रेवंत के कांग्रेस से नजदीकियां पता चली तो उन्होंने 25 अक्टूबर 2017 को रेवंत रेड्डी को पार्टी से निलंबित कर दिया। उस समय रेवंत रेड्डी तेलंगाना विधानसभा में TDP के नेता सदन थे। TDP से निकाले जाने के बाद मैं 6 दिनों में ही 31 अक्टूबर 2017 को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अनुमुला नरसिम्हा रेड्डी और अनुमुला रामचंद्रमा के घर जन्मे रेवंत रेड्डी की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद के AV कॉलेज से हुई है। 1992 में उन्होंने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान वो ABBP में सक्रिय रहे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी किया। इसके बाद रियल एस्टेट के बिजनेस में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा। रेवंत के पिता खेती किसानी से परिवार का पोषण करते थे। रेवंत रेड्डी के परिवार का राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। अपने परिवार के वो पहले सदस्य हैं जिन्होंने सियासत में खुद अपनी जगह बनाई है। रेवंत रेड्डी को खेलकूद पसंद है। उनका पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जिसमें टीम वर्क होता है, जैसे वो अपनी राजनीति का मूल मंत्र भी मानते हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना के वो तगड़े फैन हैं। नॉनवेज खाने के शौकीन रेवंत ने कभी अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया। हमने आपसे वादा किया था कि आपको बताएंगे कि किस तरह से KCR सरकार ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कराया था। रेवंत की गिरफ्तारी के बाद बिग बॉस का भी नाम सामने आया था। सियासी गलियारों में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बिग बॉस बताया गया। 31 मई 2015 को नॉमिनेटेड विधायक एल्विस स्टीफेंसन को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में रेवंत रेड्डी को ACB ने गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि MLA इलेक्शन में TDP उम्मीदवार को वोट देने के लिए एल्विस को 5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। 31 मई को एल्विस को 50 लाख रुपए एडवांस देने का वादा भी किया गया था। एल्विस ने इसकी शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद से रेवंत रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ACB ने स्टीफेंसन के एक दोस्त के घर पर स्पाई कैमरे लगा दिए। 31 मई को रेवंत दो अन्य लोगों के साथ एल्विस के दोस्त के घर पहुंचे। बताया जाता है कि जब रेड्डी के साथ आया एक व्यक्ति कैश सौंप रहा था, तभी अधिकारी वहां आ धमके। ACB ने वीडियो जारी किया और दावा किया गया कि रेवंत रेड्डी कुछ अन्य विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रहे थे। इस दौरान बार बार बिग बॉस का जिक्र किया गया था। दावा किया गया कि बिग बॉस कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। ACB ने रेवंत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। TDP ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। हालांकि 30 जून को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मामले में रेवंत को सशर्त जमानत दे दी। आज अनसुनी कहानियां में हमने आपको रेवंत रेड्डी के जिद की कहानी, जुझारूपन की कहानी, विद्रोह की कहानी, प्यार के लिए लड़ने की कहानी, खुद पर भरोसे की कहानी सुनाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की
अनसुनी कहानियां के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।